नमस्ते, मेरा नाम आशमा है। मैं 17 साल की लड़की हूँ और मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ। इंडिया के लोग बहुत भोले और दिल के साफ होते हैं, पर इधर के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना मैं बहुत लाउजी और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ शाम तक। ईयरिंग्स दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है, पर धीरे धीरे मेजर्स लिए जा रहे हैं। पोल्यूशन एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं न्यू बॉर्न बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। इट शुड डेफिनेटली बी अ प्रायोरिटी टू हैव अ क्लीनर नेशन। मैं अपने फ्रेंड से वीकेंड्स पे नहीं मिल पाती, हम स्कूल में मिल लेते हैं वीकडेज पे, तो हम वीकेंड्स में प्रेफर करते हैं कि हम घर पर रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे नहीं लगता 18 साल का होने में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का उनके बच्चों की लाइफ में रोल हमेशा कॉन्स्टेंटली वही रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डोमिनेंट रोल रहता है, जब तक उनकी शादी नहीं होती और कभी कभी शादी के बाद भी। दिल्ली की सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे औरतें सेफ नहीं हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न हो जाते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि शाम को 7 बजे से पहले घर आओ, और बहुत कंसर्न भी है कि जब मैं कॉलेज जाऊँगी और मैं घर देर से आऊँगी तो मेरे सेफ्टी में प्रॉब्लम होगा। और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करने जाती हूँ तब भी वो बहुत कंसर्न होते हैं कि मैंने क्या पहना है और उसकी लेंथ क्या है, और कुछ ज़्यादा रिवीलिंग ना हो। इसके बारे में सिर्फ बात करना छोड़ के, सिर्फ रियलाइज़ करना छोड़ के, कुछ हमें एज अ कम्युनिटी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। दोपहर में मैं यूजुअली या थोड़ा शाम को मैं लिखने बैठती हूँ, थोड़ा अपना बुक पे या कुछ पोइट्री। मैं बड़े होकर एक ऑथर बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने एंड लाइक ऑल द ग्रीनरी, एंड आई गेट टाइम टू माई सेल्फ। थोड़ा टाइम मिलता है सोचने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, थोड़ी शांति। मुझे दिल्ली की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे सब लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत प्यार करते हैं सबको, और बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इंसान को जैसा वो है। तो ऐसा लगता है कि पूरा बहुत बड़ा फैमिली है।